देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 7 दिसंबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले हैं। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 38 नए मामले, मौत कोई भी नहीं, 37 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 350 है। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 465 नए मामले सामने आए हैं, 505 रिकवरी हुई है, 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7590 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 21 नए कोविड-19 मामले, 46 रिकवरी और 6 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 333 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 32 नए कोरोना के मामले, 14 रिकवरी और कोई मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 203 हैं। नंबर पांच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 195 नए मामले सामने हैं, 171 रिकवरी हुई है और 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 3810 है। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 182 नए मामले सामने आए हैं, 122 रिकवरी हुई है, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2544 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 301 नए मामले सामने हैं, 368 मरीज ठीक हुए हैं, 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 7096 हैं। नंबर 8, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 11 नए कोरोना के मामले, 13 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 172 है। नंबर 9, तमिलनाडु में आज कोरोना के 719 नए मामले सामने आए हैं, 737 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 8013 हैं। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 8 नए कोरोना के मामले, 38 रिकवरी दर्ज की गई है, कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 250 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 35 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, कोरोना से 34 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 413 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 122 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 213 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2030 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 28 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 221 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 3277 नए मामले सामने हैं, 5833 रिकवरी हुई हैं, 168 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 41386 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, 13 ठीक हुए, सक्रिय मामले 137 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 10 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 6 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 131 है। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 112 नए मामले सामने हैं, 90 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मौत हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 776 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए, इस दौरान 38 लोग डिस्चार्ज हुए, 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 341 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 7 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने हैं, 5 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 28 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 105 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 248 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2010 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 5 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 93 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 518 नए मामले सामने हैं, 811 रिकवरी हुई है, 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई, सक्रिय मामले 10528 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10 नए मामले सामने हैं, 7 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, एक्टिव मामलों की कुल संख्या 137 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 40 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, 65 रिकवरी हुई है, कोरोना से 1 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 344 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1 नए मामला सामने आया है, इस दौरान 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 35 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 8 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 62 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 108 नए कोरोना के मामले आए हैं, 151 रिकवरी हुई है, 2 मौतें दर्ज की गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1661 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 14 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 246 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 330 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 310 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 3120 हैं। तो ये थे आपके राज्यों की 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।